Good morning, girls. Today we will start our new lesson, lesson number 27, eco-friendly ideas. Girls, आज हम अपना lesson number 27 start कर रहे हैं eco-friendly ideas. Eco-friendly ideas, it means ऐसे ideas जो हमारे environment के लिए बहुत ही अच्छे हैं. उनको कहा जाता है eco-friendly या environment friendly ideas. Eco-friendly literally means earth-friendly or not harmful to the environment. Eco-friendly का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि हमारी environment के लिए एक लिए अच्छी होती है, उनके साथ में मित्र के समान होती है, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि हमारे environment को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. इसमें first है cloths made from recycled fabric. ऐसे कपड़े जो कि recycle होके तैयार किए जाते हैं. They use the most environmentally sustainable manufacturing methods possible. ये जो कपड़ा होता है environmentally, ये ऐसा कपड़ा होता है जो कि पुराने कपड़े को फिर से recycle करके बनाया जाता है. और जब हम किसी भी कपड़े को recycle करके फिर से बनाते हैं तो हमको क्या क्या फ़ायदा होता है उससे. By eliminating the use of dyes and minimizing केमिकल, वाटर एंड एनर्जी यूज़. जब हम कपड़े को रिसाइकल करते हैं तो उसमें हमारा जो डाई है वो हमको फिर से नहीं करना पड़ता है, तो इसके साथ में ही हमारा वाटर, केमिकल और जो एनर्जी होती है उसका यूज़ भी बहुत ही कम हो जाता है. तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इको फ्रेंडली. यहाँ हमने कपड़े को फिर से रिसाइकल करके और फिर तैयार किया है. सेकंड है हमारा रिसाइकल टॉयलेट टिश्यू. जो टॉयलेट टिश्यू है वो भी हमने रिसाइकल करके तैयार किया है. इट इज़ मेड अप ऑफ 100% रिसाइकल्ड पेपर फाइबर्स, बेम्बू और शुगर केन. इसको हमने कैसे बनाया है, हमने यहाँ पे जो पुराने पेपर होते हैं उनको फिर से रिसाइकल करके उस फाइबर का, बेम्बू और शुगर केन के जो फाइबर हैं उनको रिसाइकल करके यूज़ किया है. दिस सेव्स वाटर, ट्रीज एंड रिड्यूस कार्बन इमिशन. ये किस चीज़ को बचाते हैं, जब हम पेपर का रीयूज़ करेंगे तो हमारे बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं उनको नहीं काटना पड़ेगा हमको. इस तरीके से हम ट्री को सेव कर रहे हैं, हमारा जो वाटर है वो भी उसमें सेव होगा, हमको उसकी ज़रूरत नहीं होगी. और तीसरा कार्बन इमिशन, मतलब जो कार्बन उससे निकलता है उसकी मात्रा भी नहीं रहेगी. तो इस तरीके से हम तीन चीज़ें बचा रहे हैं. और जो हमारा रिसाइकल टॉयलेट टिश्यू होगा ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होगा. थर्ड है कंपोस्टेबल कटलरी. इट मीन्स फोक्स, स्पून्स, नाइफ्स एंड टेस्टर्स. जब हम किसी भी शादी या पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारी कटलरी का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर स्पून होता है, नाइफ होता है, टेस्टर होता है. ये भी यदि इको फ्रेंडली हो तो कितना अच्छा हो, क्योंकि जब हम शादी या पार्टी में जाते हैं तो आपने देखा है कि दिन भर में कितनी सारी कटलरी वहाँ पे यूज़ होती है. प्लास्टिक कटलरी इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड वंस एंड थ्रोन अवे. जितनी भी प्लास्टिक कटलरी होती है वो सिर्फ एक बार यूज़ होती है और उसके बाद में उसको फेंक दिया जाता है. पार्टीज़, बीबीक्यूज कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्लास्टिक कटलरी वेस्ट. रिड्यूस आर एलिमिनेट दिस वेस्ट बाय यूजिंग कंपोस्टेबल फोक्स. हम इससे को हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इनकी इनका उपयोग करना बंद कर दें और उसकी जगह रिसाइकल चीज़ों का उपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टेबल फोक्स, स्पून्स, नाइफ्स एंड टेस्टर्स. हम ऐसे चीज़ें बना सकते हैं जो कि रिसाइकल हो. और रिसाइकल से यदि हम बनाएंगे ऐसी कटलरी बनाए जिसको पूरी तरीके से कंपोस्ट किया जा सके, जिसको हमें फेंकना नहीं पड़े, तो क्या होगा, इनसे कंपोस्ट बन जाएगी और इस तरीके से इनका भी कहीं ना कहीं रीयूज़ हो जाएगा. नेक्स्ट है रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स. हम ऐसे बैग यूज़ करें जिनका उपयोग रीयूजेबल हो, बार बार हम उनका उपयोग कर सकें. प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर्स आर एनी रिटेल स्टोर्स प्रोड्यूस मोर वेस्ट. यदि हम प्लास्टिक के बैग यूज़ करेंगे शॉपिंग के लिए तो वो बैग जो होते हैं वो जल्दी ही फट जाते हैं और बार बार यूज़ करने के लिए लायक नहीं होते. तो उसकी जगह हमको कौन से चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, हमको ऐसे बैग यूज़ करना होंगे जिनका हम बार बार उपयोग कर सकें. तो अब आपको याद आ रहा होगा कि हमारे घरों में क्या बने होते हैं, जो आपकी मम्मी कपड़े से बैग बनाती है जिसको झोला भी कहा जाता है,
उसका हमको फिर से यूज़ करना शुरू करना है. अ रीयूजेबल शॉपिंग बैग कैन बी यूज टू कैरी ग्रॉसरीज एंड अदर आइटम्स विच इलिमिनेट्स प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम शॉपिंग बैग्स एवरी टाइम वी शॉप. जब भी हमको खरीदना होगा तो हम क्या करेंगे, अपने साथ में एक कपड़े का बैग रखेंगे जो कि बहुत ही छोटी सी फोल्ड करके हम उसको अपने साथ में रख सकते हैं. और हमको जो भी ग्रासरी आइटम खरीदना है, वेजिटेबल्स खरीदना है, उसको हम उसके अंदर रख सकते हैं. इससे हम प्लास्टिक के यूज़ को धीरे धीरे कम करते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब प्लास्टिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा. अब नीचे आपके दो करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं जो कि आपको करना है. When you go to a shop nearby, what will you do? जब आप अपने घर के पास की किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, गो बाय कार और बी ऑप्शन है आपका यूज साइकिल आर गो बाय वॉक. आप कार से जाना चाहिए आपको या फिर आपको साइकिल का यूज़ करना चाहिए या पैदल जाना चाहिए, तो हम किसको टिक करेंगे, बी को. When you go to a shop, what will you do? जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, गेट प्लास्टिक बैग्स, टेक रीयूजेबल बैग. तो यहाँ पे भी हमारा जो बी ऑप्शन रहेगा वही सही रहेगा, हम अपने साथ हमेशा क्या ले जाएंगे, रीयूजेबल बैग. नेक्स्ट लेसन है हमारा जेम स्टोन. आप सभी के घर में, सभी गर्ल्स के पास में, उनकी मदर के पास में क्या होती है, अलग अलग तरीके की जो रिंग होती है या अंगूठी होती है वो सभी गर्ल्स को पसंद होती है. सभी गर्ल्स ज्वेलरी पहनना पसंद करती है. तो जितनी भी हमारी ज्वेलरी होती है किससे बनी होती है, जेम स्टोन से. तो जेम स्टोन क्या होता है, प्रीशियस स्टोन्स आर जेम स्टोन्स आर मेड ऑफ मिनरल क्रिस्टल्स. जितने भी हमारे प्रेशियस स्टोन या जेम स्टोन होते हैं ये किससे बने होते हैं, मिनरल क्रिस्टल से. दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. ये हमको अर्थ को जब हम बहुत ज़्यादा अंदर तक खुदाई करते हैं तो वहाँ से हमको मिलते हैं. दिस स्टोन्स आर एक्सकवेटेड कट एंड पॉलिश्ड. उसके बाद में इनको क्या किया जाता है, इनकी कटिंग की जाती है और पॉलिश की जाती है. दे आर दे यूज्ड इन ज्वेलरी. और उसके बाद में इनका यूज़ किस में किया जाता है, ज्वेलरी में. जो अलग अलग तरीके की आप रिंग्स पहनते हैं और आपके डायमंड सेट्स वगैरह पहनते हैं, नेकलेसेस पहनते हैं, उन सभी में इस अलग अलग तरीके के जेम स्टोन का यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट वन है मोस्ट प्रीशियस एंड कलरलेस फॉर्म फ्रॉम चारकोल. सबसे महंगा और ऐसा स्टोन जिसमें कि कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति इसको खरीदना चाहता है. यह सबसे महंगा, सबसे प्रीशियस स्टोन होता है और किसका बना हुआ होता है, चारकोल का. तो ये स्टोन है हमारा डायमंड, जिसको हीरा बोला जाता है. और ये हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही हमको डायमंड मिल जाता है. नेक्स्ट है कलर ऑफ नेचर प्रमोट्स अ काम एंड पीसफुल स्पिरिट. इस स्टोन का जो कलर होता है, आप देख रहे हो किस कलर का स्टोन है, ये ग्रीन कलर का. तो ये हमारी नेचर को प्रमोट करता है. ग्रीन कलर जो होता है वो बिल्कुल शांति का प्रतीक है. तो ये स्टोन है हमारा एमरल्ड. थर्ड है नेम्ड आफ्टर लैटिन वर्ड रबर विच मीन्स रेड. इसका जो नाम है वो लैटिन वर्ड रबर से लिया गया है जिसका मतलब होता है लाल. ये जो हमारा डायमंड है पूरी तरीके से रेड कलर का होता है जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है. इसका नाम है रूबी. नेक्स्ट है हमारा यूजुअली ब्लू सिंबोलोसिस प्योरिटी विजडम लॉयल्टी एंड फेथ. ये जो हमारा जेम स्टोन है इससे पता चलता है, ऐसा माना जाता है कि जिसके पास में है वो व्यक्ति बहुत ही विश्वास के लायक होता है, ईमानदार होता है, बुद्धिमान होता है और कैसा होता है, पूरी तरीके से शुद्ध होता है. तो इस जेम स्टोन का नाम है सफायर. नेक्स्ट है नेशनल जेम स्टोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल जेम स्टोन है. इट डिस्प्लेस वेरियस कलर. ये अलग अलग तरीके के कलर इसमें हमको देखने को मिलते हैं और इसका नाम क्या है, ओपल. नेक्स्ट है क्वीन ऑफ जेम्स फॉर्म्ड इन एन ओएस्टर.
ये जो हमारा जेमस्टोन है इसको क्वीन ऑफ जेम्स कहा है, मतलब जितने भी अलग अलग जेम्स के बारे में अभी हमने पढ़ा उन सब में जो क्वीन है या रानी है वो कौन है, ये वाला स्टोन। और ये कहाँ बनता है, ओएस्टर के अंदर। इसका नाम है पर्ल। क्या नाम है इसका, पर्ल। और ये हमको समुद्रों से मिलता है। सो गर्ल्स आर टुडेज वीडियो इज कंप्लीटेड। बाय गर्ल्स।